बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टिचिंग थेरेपी में मेडी के साथ आज हम सीख रहे हैं खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डेलिकेटेड और बहुत ही इजी है। इसको सीखने के लिए आपको पहले करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो पहले करें लाइक और फिर करें शेयर। लेट्स स्टार्ट। कोई सा भी घर में एक ढक्कन ले लें। आप अपने लीव्स की, अपने पेटल्स को जितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं उतना इसको पेपर पे रख के इसको ड्रॉ कर लें, उसकी कटिंग कर लें। सबसे पहले आप रफ पे जितने फैब्रिक हैं, यानी कि आपके ड्रेस से रिलेटेड कुछ साइडों से, आपके ड्रेस की साइडों पे कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है उसको ज़ाया नहीं करना है, उन सबको एक दूसरे के ऊपर रख के कोई 5-7 जितने आसानी के साथ आप होल्ड कर सको उनको रख के ऊपर मैंने वो पेपर रख के उसे पिन कर दिया है ताकि वो हिले नहीं, और इसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब हम इसकी पिन को आउट कर देंगे और ये देखें अब ये मेरे पास डिफरेंट तरह के सर्कल्स मौजूद हैं। मुझे 2 कलर्स के सर्कल्स चाहिए थे, एक मैंने जो है प्रिंटेड लिया है और एक मैंने सिंपल लिया है। जो सिंपल कलर है वो मेरी उसका ट्राउज़र का है और दूसरा जो है वो मेरी शर्ट का है। इनको आप सारी चारों तरफ से आपने स्टिच कर लेना है। एक तरफ से मैंने इसको थोड़ा सा रफ स्टिच किया है, ये इसका मिड है, लेकिन मिड से थोड़ा सा आगे से यहाँ से, यानी 3/4 यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइडों पे नोचिस लगाते हुए इसको मैंने टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद ये ऐसे राउंड शेप में, यू शेप में आ गया है। मैंने एक पेपर को फोल्ड कर लिया है, इसके ऊपर मैं इसको यूं करके रैप कर रही हूँ और ये हमारी पैटर्न एक्यूरेट तैयार है। इस तरह के आप जो पैटर्न बनाते हो उनको अगर आप मेजरमेंट के साथ और प्रॉपर एक तरीके के साथ बनाते हैं तो इक्वल आते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं कि टेलर्स के पास जाते हैं, उनकी हर चीज़ इतनी इक्वल होती है। इसके बाद आप एक पेपर ले लें, पेपर के ऊपर आप पेस्ट या इस तरह से स्कॉच टेप को लगा लें। मैंने नीचे एक निशान क्रीज बनाई थी इसकी ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन नज़र आए, लेकिन वो पेपर की वजह से कलर नज़र नहीं आ रहा। यह मैंने इसको एडिटिंग से मार्क किया है। ये देखें अब हम क्या करेंगे, अपनी पेटल्स को 1 by 1 इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखें आप इनकी जो सबकी शेप्स हैं, ऊपर वाले लीव्स की जो साइड है उनको इक्वल रखिएगा ताकि स्टिच करते हुए आपको आसानी हो। जितनी चौड़ी चाहें रख सकते हैं। या मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैं बारीक पिनटेक्स डाल रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने अपने बाजू के आर्म होल, यानी आगे से जो मैंने उसका हिस्सा खुला रखना है उसे थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। देखिए मैंने इसके ऊपर बारीक बारीक पिनटेक्स डाले हैं, ये इस तरह से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करके। इसकी मार्किंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि 1 इंच की चौड़ाई पर रखने हैं और इतना सा तो नॉर्मली हमें पता चल जाता है। अगर आपको पता ना चले तो आप स्केल के साथ पहले इनकी मार्किंग कर लें और उसके बाद इनको स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये भी मुझे कुछ कम लग रहे हैं, मैं 1-2 पिनटेक्स और डालूँगी। पहले तमाम पैटर्न रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम अब ये पिनटेक्स को ऊपर वाली शर्ट स्लीव्स के बाकी हिस्से के साथ मैंने अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं लेस का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास डिफरेंट तरह की लेसेस हैं लेकिन मैं उनमें से इसको चूज़ किया है क्योंकि मुझे इसके अंदर से नेट वाला हिस्सा चाहिए। ये लेस भी काफ़ी चौड़ी है लेकिन अब मैं इसको जिस तरह से लगाऊँगी, मैं इसका जौन सा हिस्सा चाहूँगी मैं वो ही यूज़ कर सकूँगी। एक और मैंने डिज़ाइन डालने के लिए इसके ऊपर एक फोल्डिंग वाली पिनटेक्स डाली है और एक मैं इसके साथ बिल्कुल नीचे बारीक वाली पिनटेक्स डालूंगी। ये देखें मैंने इसके दरमियान में एक निशान लगा लिया है ताकि हम लोग जो अपने पैटर्न्स को आपस में ज्वाइन करें तो सब चीज़ें दरमियान में। मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए पहले रखती हूँ शर्ट में ताकि अगर कपड़ा स्टिच करने के बाद तंग या ज़्यादा ना हो जाए। देखें अब मैं ये लेस लगा रही हूँ। लेस के लिए मैंने पहले से ही फैब्रिक को आयरन के साथ फोल्ड कर लिया था। अब जहाँ जहाँ तक मुझे लेस चाहिए वहाँ तक मैं उसको रख के ऊपर से स्टिच कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे ये होता है कि आपकी जो लेस है एक तो पाँव के नीचे से निकलती नहीं है और दूसरा ये कि जितना आपको लेस का हिस्सा चाहिए यूज़ करने के लिए आप सिर्फ उतना ही यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका सिर्फ अंदर का ये गोल्डन हिस्सा चाहिए क्योंकि उसमें एक जाली नुमा बना हुआ है जाल और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे तारकशी का काम हुआ हुआ। ये देखें ये मैंने अब अपनी मर्ज़ी का जितना मुझे हिस्सा चाहिए था लेस का वो मैंने ले लिया है, बाकी को मैंने उसके अंदर कर दिया। ये मेरा एक हिस्सा रेडी हो गया है स्लीव्स का। अब लगाने की बारी आ गई है पेटल्स की। देखिए कितना खूबसूरत, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। आराम आराम से इनको मेजर करके किया करें, हमेशा आपका सब कुछ ऐसे आएगा। ये मैंने जो मगजी के लिए कपड़ा यूज़ करना था उसको मैंने 2 साइड से फ़ोल्ड कर लिया है, इसको मैंने आयरन कर लिया है। ये हमारी जो सिलाई की निशानी है बैक साइड पे, ये हमें स्टिच करने के लिए मार्क के तौर पर
मदद करती है। इसको हमने पहले, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों की फेस साइड जो है, हमने पैटर्न की फेस साइड और बाजू की फेस साइड एक दूसरे के आमने सामने रखनी है। उसके ऊपर मैंने ये मगजी वाला कपड़ा रख दिया है और इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। नीचे जो सिलाई कागज़ के ऊपर नज़र आ रही थी उसने मुझे बता दिया था कि मुझे कहाँ तक स्टिच करना है। अब ये देखिए मेरा खूबसूरत सा पैटर्न रेडी है। इफ़ यू लाइक माई ट्यूटोरियल्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई ट्यूटोरियल्स, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। जो लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, मैंने कटिंग और ट्राउज़र और शर्ट की कटिंग भी ऊपर बताई हुई है, आप मेरी बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अभी मेरी शर्ट के बाजू रेडी हुए हैं, शर्ट का बाकी हिस्सा भी स्टिच करने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका गला दामन का डिज़ाइन भी शो करूँगी। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, पर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।